उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। बीजेपी नेता कांग्रेस प्रत्याशी को कमतर आंक रखे गए तो कांग्रेस नेता भी बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हल्के में नीति नजर आ रखे गए। रिपोर्ट देखिए। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने महिला प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है। ये पहला मौका है जब कांग्रेस ने चंपावत से किसी महिला प्रत्याशी को टिकट दिया। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी आम है कि कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव में निर्मला गहतोड़ी को टिकट देकर बीजेपी का रास्ता साफ कर दिया है। ऐसे में निर्मला गहतोड़ी का नाम कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर घोषित होते ही बीजेपी ने इसे चुनाव से पहले ही कांग्रेस की हार बता दिया है। कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव के लिए 6 मई को अपने प्रत्याशी की घोषणा की थी। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से ये घोषणा इसीलिए चौंकाने वाली थी क्योंकि पार्टी ने सीट पर अब तक चुनाव लड़ते रहे हिमेश खरकवाल को टिकट देने की बजाय किसी महिला प्रत्याशी पर दाव खेला। निर्मला गहतोड़ी को कांग्रेस की तरफ से टिकट देने से जुड़ा पत्र जारी होते ही कांग्रेस के इस फैसले पर कई सवाल खड़े होने लगे। हालांकि कांग्रेस नेता भी इस विषय पर जैसे तैसे पार्टी को डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। कौन मान रहा है इस बात? कौन मान रहा है? भाजपा? अगर भाजपा हिमेश खरकवाल को मजबूत मान रही थी तो वो कांग्रेस का डिसीजन है ना, वो अपने हित के लिए मान रही होगी, अपने लिए मजबूत मान रही होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए निर्मला गहतोड़ी मजबूत कैंडिडेट है, पार्टी ने सोच समझ कर टिकट दिया और इसका चुनाव आपको। दरअसल इस सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने निर्मला गहतोड़ी को काफी कमजोर प्रत्याशी माना जा रहा है। उधर ऐसे में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं तब हिमेश खरकवाल को, जो इस सीट पर कांग्रेस के विधायक भी रह चुके हैं, उन्हें टिकट देने की बजाय किसी नए चेहरे को उतारने से बीजेपी भी कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। बीजेपी नेता राजेश शुक्ला की माने तो कांग्रेस ने पहले ही घुटने टेक दिए हैं। चंपावत के उपचुनाव में कांग्रेस ने जिस तरीके से एक बहुत ही कमजोर निर्मला गहतोड़ी प्रत्याशी उतारी, उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस ने इस चुनाव से पहले अपनी हार मान ली। और जब ये सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस ने कमजोर प्रत्याशी क्यों उतारा है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अब कांग्रेस खुद ही कमजोर हो गई है, उसका नेतृत्व तो कमजोर है, उनके पास न नेता हैं न कार्यकर्ता हैं, और इस कारण आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि वो उनके लोग घबरा रहे हैं चुनाव लड़ने से। हिमेश खरकवाल जो वहीं के अभी चुनाव हारे हैं कुछ दिनों पहले, जो उम्मीदवार थे पहले विधायक रह चुके हैं, अपेक्षाकृत वो मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे थे, उनका ना उतरना, अपने को मुख्यमंत्री के लिए सबसे लोकप्रिय नेता कहने वाले हरीश रावत जी जब भी लाल कुआं हारे हैं, उनके सामने एक अवसर था कि वो चंपावत से हरा कर और साबित करते कि कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति जनता की आस्था है, लेकिन ये सब लोग भाग खड़े हुए मैदान छोड़ करके और एक नॉन चेहरे को लेकर आए हैं। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चंपावत उपचुनाव में जीत का सहरा किसके सर सजता है और किसे करारी शिकस्त मिलती है। नासिर हुसैन, देहरादून, खबरें अभी तक।